अगर आप खूबसूरत कारों के दीवाने हैं तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया ऑटो एक्सपो में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा और लग्जरी सवारी। रिपोर्ट देखिए। ऑटो एक्सपो 2020 का हो चुका है आगाज। दुनिया भर की तकरीबन 104 कंपनियां इस ऑटो एक्सपो में शिरकत कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 70 वाहन, जिसमें बाइक्स भी शामिल हैं, कार भी शामिल हैं, ट्रक भी शामिल हैं, उन सबको लॉन्च किया जाएगा। तो आइए चलते हैं और इस कारों के मेले में देखते हैं क्या है इस बार खास। ऑटो एक्सपो यानी सपनों की कारों का मेला, जहां आपको मिलेगी आपके सपने वाली कार। एक से बढ़कर एक कार आपको यहां पर मिल जाएगी कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑटो एक्सपो चल रहा है, जहां वो कारें लॉन्च की जा रही हैं, जो आपको सिर्फ विदेशों में और टीवी पर ही देखने को मिलती हैं। इस एक्सपो में दुनिया भर की 104 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, इसीलिए तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला नाम दिया गया है। प्रथम इंडिया एक्सपो मार्ट में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी एक से एक बेहतरीन कारें, बाइक्स, ऑटो, बसेस आपको नजर आएंगी। 104 कंपनियों ने इस ऑटो एक्सपो में शिरकत करी है और तकरीबन 90 गाड़ियों की लॉन्चिंग होनी है। मेले में कॉन्सेप्ट कारें और इलेक्ट्रिक कारों ने धूम मचाई है। महिंद्रा की कॉन्सेप्ट कार से तो लोगों की नजर नहीं हट पा रही। अभिनेत्री गुल पनाग ने भी ऐसी कारों की जमकर तारीफ की। हम महिंद्रा की फिनिस्टर पर खड़े हुए हैं। ये महिंद्रा की कॉन्सेप्ट कार है, फुल्ली इलेक्ट्रिक। जिस तरीके से इसकी बनावट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है इसकी बनावट दी गई है। आमतौर से जो महिंद्रा है, अगर हम उसकी एसेसरीज की बात करें तो इतनी खास नहीं दिखती, लेकिन जिस इस कॉन्सेप्ट कार में महिंद्रा ने फुल्ली लोडेड फीचर्स दिए हैं। आप यहाँ पे आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा भी है? मैं पिछले 5 साल से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाती हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारी मोबिलिटी का फ्यूचर है, जो हमारी मोबिलिटी का भविष्य है, वो इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पर दो खूबसूरत बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लगता है आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक कारों का ही है, क्योंकि ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें ही दिखाई दे रही थी। मारुति सुजुकी ने भी दो कारें लॉन्च की और ये मारुति की वही कार हैं जिसको कॉन्सेप्ट कार के रूप में पेश किया गया। मारुति सुजुकी ने भी एक कॉन्सेप्ट कार लॉन्च करी है। देखते ही आपकी नजरें इस कार से हटेंगी नहीं। फुल्ली इलेक्ट्रिक ये गाड़ी है और इसका बाकायदा नाम रखा गया है मिशन मिलेनियम। जो मारुति सुजुकी है वो अपनी तकरीबन एक मिलियन गाड़ियां बेच चुकी है, लिहाजा उसी इस गाड़ी को बेचने के लिए जब ये भविष्य में आएगी तो इसका नाम इसीलिए रखा गया है मिशन मिलेनियम। कंपनियों ने अपनी 7 सीटर कार से भी पर्दा उठा दिया है। किया नाम की कार 7 सीटर है, जिसमें शानदार इंटीरियर दिया गया है। पीछे का गेट भी बटन दबाते ही स्लाइड के जरिए खुल जाता है। जरा आप भी देखिए अपने सपनों की चमचमाती कार। 16 कंपनियां अपनी नई नई कारें, सपनों की कारें लॉन्च करेंगी। इस वक्त हम एक स्टॉल पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कारें यहां पर आज लॉन्च करी गई हैं। भीड़ भी आज यहां पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, अलग अलग मॉडल्स के साथ अलग अलग कारें यहां पर हैं। 16 कंपनियां आज जो है शाम तक अपनी कारों को लॉन्च करेंगी। सालों से V6 इंजन की क्रेटा कार का बेसब्री से लोगों को इंतजार था, जिसे सुपरस्टार शाहरुख खान ने खत्म कर दिया। शाहरुख ने हुंडई की मोस्ट अवेटेड क्रेटा कार को लॉन्च किया। काफी समय से क्रेटा का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब देख सकते हैं जो इसकी फिनिशिंग है, जो स्पोर्ट्स क्रेटा आती है उसमें काफी अंतर होता है, लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर मेटेलिक फिनिश दी है ब्लैक के ऊपर, तो ये भी बहुत जल्द अब मार्केट में होगी। काफी खूबसूरत क्रेटा है, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था वो इंतजार भी खत्म हुआ है और अब ये कार बहुत जल्द मार्केट में होगी और लोग इसको ले सकेंगे।
12 फरवरी तक चलने वाले इस एक्सपो में दुनिया की शानदार कारों को रखा गया है। अभी बहुत सी ऐसी सपनों की कारें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है।